वेलकम बैक टू 1514। सो हम पढ़ रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2, जिसमें हमने लास्ट स्टडी किया था वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, हम किसी फंक्शन को कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, हमने ये चीज देख ली थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फेज वेलोसिटी। अब फेज वेलोसिटी क्या होता है? सिंपल, एक वेव जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी को हम कहते हैं फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इट्स फेज व्हिच प्रोपगेट्स अलोंग विद द वेव। फेज वेलोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द फेजेस ऑफ द वेव्स थ्रू द स्पेस। स्पेस के अंदर फेजेस कैसे प्रोपगेट कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी को, उसके रेट को ही हम सिंपली क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी। इट कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज द पोजिशन ऑफ द वेव एट द गिवन पॉइंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिंपल सा। हमने बचपन मींस योर 9th 10th क्लास ऑफ कोर्स, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 8th में भी आई जाता है आई गेस, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इस केस के अंदर हमारे पास वेलोसिटी फेज वेलोसिटी है। ठीक है, डिस्टेंस हमारा वेव के केस में लैम्डा होता है, विच इज योर वेव लेंथ, एंड टी टाइम पीरियड। ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फेज वेलोसिटी व्हेन योर लैम्डा एंड टाइम इज वेरिंग। ऑल्सो वी आर हैविंग अनदर एक्सप्रेशन, अगर हम इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में लिखे तो वीपी इक्वल्स टू ओमेगा ओवर के। सो ये दो फॉर्मूलाज है हमारे पास, वीपी यानी कि फेस वेलोसिटी के, जहाँ पे हमारा ओमेगा ऑफ कोर्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी है एंड के इज योर वेव नंबर। ठीक है, सो कमिंग टूवर्ड्स द ग्रुप वेलोसिटी। अब ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, ग्रुप यानी कि नंबर ऑफ वेव्स का ग्रुप। When number of waves are moving in a medium, जिसके अंदर उनकी जो frequencies है उसके अंदर एक slight सा difference होता है frequencies के अंदर। Number of waves जब एक medium में move कर रही होती हैं and इनकी frequencies के अंदर slight सा difference होता है, तो ये सब एक group बना लेती हैं, जिस group को we called wave packet। ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ वेव्स आर मूविंग इन अ मीडियम, दीज आर वेव्स मूविंग इन अ मीडियम, एनी मीडियम, और इनकी फ्रीक्वेंसीज के अंदर स्लाइटल सा डिफरेंस होता है, सो दे मेक अ ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड वेव पैकेट। इस वेव पैकेट की वेलोसिटी को सिंपली हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। क्लियर है, इट इज वेरी बेसिक थिंग कि एक हमारे पास वेव है, एक नहीं नंबर ऑफ वेव्स हैं जो कि एक मीडियम में मूव कर रही हैं। These waves combine when there is only a slight difference in their frequencies. These get combined and form a group which is known as wave packet. इस wave packet की velocity को we call group velocity. Group velocity is equivalent to del omega by del k. Basically the partial differentiation of omega and k within. ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा diagram से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी जो पर्पल कलर की जो वेव है, दिस इज अ सिंगल वेव, इसकी मूव होने की वेलोसिटी को हम कहते हैं फेज वेलोसिटी, एंड इस पूरे के मूव होने की वेलोसिटी को वी कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक सिंगल वेव मूव हो रही है, फेज वेलोसिटी, अगर उसका एनवलप या वेव पैकेट मूव हो रहा है पूरा का पूरा, तो इट इज ग्रुप वेलोसिटी। मूविंग फर्दर, फेज वेलोसिटी के अब हम मैथमेटिकली एक रिलेशन निकालते हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, ये एग्जाम में आता है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना, इजी ही है ये, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, समझ आ गया तो एग्जाम में खुद से करके आ सकते हो। हमारे पास फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, ओमेगा ओवर के, रीअरेंज करने पे वी कैन गेट दिस। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, ये है हमारे पास वीपी इक्वल्स टू ओमेगा ओवर के, हमने ओमेगा ओवर के, हमने सिंपल सा क्या किया, इसको के को उठा के इधर ले गए, तो वी पी इंटू के इज गिवन बाय ओमेगा। ठीक है, फर्दर हम आते हैं आगे, अब हम इसको कर देंगे ओमेगा को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप वेलोसिटी है, जो वीजी है, दैट इज डी ओमेगा ओवर डी के।
ठीक है, तो अब हम इसके रिलेशन में लाने के लिए इस ओमेगा को उठा के डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू के। तो ऐसा जब हम करेंगे डी ओमेगा को कर देंगे डी के से डिफरेंशिएट, इस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले हम रखेंगे वीपी को कांस्टेंट, तो वीपी एज इट इज आ गया, राइट, द फर्स्ट टर्म कांस्टेंट। सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, के को के के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। देन हम रखेंगे के को कांस्टेंट एंड वीपी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू के, ओके ओके। सो हमने थर्ड जो इक्वेशन गिवन है वहां तक का हमने कर लिया था डिराइव, राइट, टिल हियर हमारे पास डी ओमेगा ओवर डी के की वैल्यू आ गई थी वीपी प्लस के डी वीपी ओवर डी के। तो अब हमें रिलेशन चाहिए वीजी और वीपी के बीच में, राइट, तो इस इक्वेशन के अंदर हम वीपी को रहने देंगे, के इज अ कांस्टेंट, वीपी एज इट इज, इसकी जगह पे हम लिख देंगे वीजी। सो ये हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन वीजी एंड वीपी, विच इज योर वीजी इक्वल्स टू वीपी प्लस के डी वीपी ओवर डी के, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीजी विच इज योर फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। मूविंग फर्दर, सो डिफरेंट मीडियम्स, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर भी आ जाता है। डिफरेंट मीडियम्स में हमारे पास दो मीडियम्स हैं, डिस्पर्सिव मीडियम एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम सिंपली वो मीडियम है जिसमें जो वीपी है यानी कि जो फेज वेलोसिटी है वो हमारी लैम्डा के ऊपर यानी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। डिस्पर्सिव मीडियम मीन्स वीपी इज डिपेंडेंट ऑन लैम्डा। तो अगर ये लैम्डा पे डिपेंडेंट है सो सिंपली हम यहाँ पे के को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा से और हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी डिस्पर्सिव मीडियम के लिए, ओके। फर्दर ऑल्सो हाँ, हम के को लैम्डा से रिप्लेस कर रहे हैं और एक माइनस का साइन ऑफकोर्स आ जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, जैसे कि हमारा पिछले में प्लस था यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा प्लस का साइन था बट हमारा फर्दर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, दैट्स इट, ये डिफरेंस आएगा एंड ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको एज इट इज आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं फर्दर डिस्पर्सिव मीडियम। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में सिंपली हमें पता है कि जो वीपी है वो लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, मीन्स जो हमारे पास ये वाली टर्म है ये पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये टर्म जीरो हो गई तो हमारे पास सिंपल ही आ जाएगा, ये पूरी सेकेंड टर्म जीरो है तो वीजी इज इक्वल टू वीपी, दिस इज फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो डिस्पर्सिव मीडियम में ये रिलेशन रहेगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ये रिलेशन रहेगा, क्लियर है।